सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो दोस्तों। आज का वीडियो काफी यूनिक होगा क्योंकि मैं अपने डैडी को सुजुमे मूवी हिंदी डब में दिखाने ले जा रहा हूं। और जैसा आपको पता है कि पीवीआर की तरफ से अच्छी खासी कोशिश है कि वो एनिमे को हिंदी डब में प्रमोट कर सके, और सुजुमे एक अच्छा अवसर था। जैसा आपको पता है कि खुद मकोतो शिंका इंडिया में आए थे प्रमोशनल बेसिस के लिए और उन्होंने इंडियन ऑडियंस के साथ अच्छा खासा वक्त भी बिताया है। सो लेट्स सी कि सुजुमे मूवी हिंदी में कैसी है और मेरे डैडी का क्या रिएक्शन है और उनका क्या ओपिनियन है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि उन्होंने रिसेंटली नारुतो भी देखना शुरू किया था। सो लेट्स सी ये मूवी उन्हें कैसी लगती है। सो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। एक जापनीज फिल्म है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अंदर जो लड़की ने जो कैरेक्टर किया बहुत अच्छा लगा उसके अंदर मुझे। ये सभी को देखना जरूरी है, बहुत अच्छा फिल्म है वो। उसके अंदर जो डाइजी ने वो काम किया अच्छा किया है। स्टार्टिंग में लगा कि वो कुछ एक खतरनाक प्राणी का कुछ रूप धारण किया, लेकिन वो नहीं था। वो सुजुमे को हेल्प करना चाहता है और लास्ट तक तो उसको हेल्प करता है। एक बिल्ली का कैरेक्टर है उसका, बहुत अच्छा किया उसने काम, और हीरो को भी उसने साथ दिया है लास्ट तक। बहुत अच्छी फिल्म है उसके अंदर। उसमें ऐसा सीन है कि हीरो ऐसा बोलता है कि जीना है जीना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका जो डायलॉग है वो बहुत अच्छा लगा उसके। मेरा बेटा ये सब फिल्म देखते रहता है, जापनीज कार्टून फिल्म, लेकिन क्या वो जापनीज में रहती है, अभी हिंदी में भी आने लगी है तो लोगों को भी समझ में आ रहा है। और मैं भी थिएटर में इसके लिए गया कि वो हिंदी में डब की हुई है, तो मुझे भी अच्छा लगा वो फिल्म देख के। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लिया है बहुत अच्छा लगा, जैसे फ्यूचर पास्ट टेन का है वो कॉन्सेप्ट, उसने अच्छा डायरेक्टर ने अच्छा डायरेक्ट किया है उसके अंदर, वो देख के मुझे ज़रा अच्छा लगा। कैरेक्टर है सुजुमे के अंदर, उसकी जो एक मासी दिखाई है वो उसको बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि वो घर से चली जाती है ना, तो मासी उसको ढूंढते जब भी आती है ना तो उसको बहुत सब बोलती है। ऐसा लगता है कि अपनी बेटी है लेकिन वो दूर गई है, और घर से बाहर जाती तो वो उसको बहुत कुछ बोलती है, और उसको अपने आप ही लास्ट में ऐसा दुख लगता है कि मैं उसको सुजुमे को क्या क्या बोली, तो उसको बोलती है सॉरी करके। ऐसी मूवी फिर से आएगी तो मैं फिर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है। और लास्ट में जो दिखाया, जो लड़की रहती सुजुमे की, तो उसको अपना पहले के याद आता है, तो जो वो फिर वो पास्ट में जाती है, पास्ट टेन में जाती है, तो उसको याद आते रहता है, अरे तो मैं ही थी बचपन की, तो उसको बहुत अलग लगता है कि अरे मैं पास से फिर मैं वापिस अरे फ्यूचर से फिर पास्ट में जाती हूँ, पास्ट टेन में, तो उसको सब याद आता है। उसको बचपन की वो जगह याद आती है, उसका घर याद आता जाता है, और वो घर के यहाँ पे जाती है ना, तभी उसको मालूम पड़ता है अरे ये मेरा घर का ही डोर है, और वो डोर से जब भी पास होती है ना तभी उसको याद आता है। वो तो एकदम अलग कॉन्सेप्ट डायरेक्टर ने किया है, देखने जैसा वो एकदम। मेरे बेटे ने कहा कि ये पीवीआर ने जो जैपनीज लैंग्वेज की जो मूवी थी वो हिंदी में डब की है, तो बहुत अच्छा, मैं पीवीआर का शुक्रिया करता हूँ, और ये वापस से ऐसी फिल्म वो लाएंगे तो अच्छा है, मैं और देखना चाहता हूँ। सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके थिएटर में देख लीजिए, खास करके मम्मी डैडी ने भी जाना चाहिए, वो बच्चे लोग ने देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं तो ऐसी एनिमे को आप मैं व्यू दूँ तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।